नमस्कार, जस हिंदी की खास पेशकश बिगुल 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। बिगुल 2019 में आज बात होगी हरियाणा की, हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की। जी हां, इंडियन नेशनल लोकदल, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम दावे किए जा रहे थे, वो आखिरकार सच साबित हुए। इंडियन नेशनल लोकदल में आखिरकार दरार आ ही गई। अभय सिंह चौटाला ग्रुप और दुष्यंत चौटाला ग्रुप अलग अलग हो गए। अभय सिंह चौटाला परिवार और अजय सिंह चौटाला परिवार अलग अलग हो गए। अब इसके बाद तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि अजय सिंह चौटाला परिवार ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सवाल यहां पर यह है कि जो नई पार्टी बनेगी, आखिर उसका भविष्य क्या होगा? क्या दुष्यंत चौटाला के बारे में जो दावा किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या नई पार्टी बनाने के बाद उनका ये सपना पूरा हो पाएगा? सवाल यहां पर यह भी है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल, जिसे काडर बेस पार्टी कहा जाता है, उसका काडर ज़्यादा दुष्यंत चौटाला के साथ है या फिर अभय सिंह चौटाला के साथ है? सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर पार्टी अलग कोई निकल रही है इंडियन नेशनल लोकदल में से, तो पार्टी की राजनीति के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या असर पड़ेगा इसका पूरे हरियाणा की राजनीति के ऊपर, और बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर होगा, किसे ज्यादा फायदा होगा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ये जो भी कुछ हुआ है? ये तमाम सवाल हैं। बिगुल 2019 में इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बेहद ही खास पैनल चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नरेंद्र विद्यालंकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। सर्वमित्र कंबोज हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। दिलबाग नैन दुष्यंत चौटाला के समर्थक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहेंगे पूरे कार्यक्रम में। नैन साहब, आपका भी स्वागत है। और सुखबीर तंवर हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। तंवर साहब, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तंवर साहब आपसे ही, ये क्या हो गया? आप लोग तो तमाम दावे कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप लोग फिर बाद में ये दावा कर रहे थे कि कोई नहीं छोड़कर जाने वाला, अगर कोई अजय सिंह चौटाला परिवार या दुष्यंत चौटाला छोड़कर जा रहे हैं तो उनके साथ कोई नेता नहीं जाएगा। एक बड़ी लंबी फेहरिस्त आई है जिसमें आपके विधायक भी शामिल हैं जो उनके साथ चले गए हैं। महेंद्र जी, आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग जो चंडीगढ़ में हुई जी, उसमें 95% से ऊपर जो प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे सदस्य साहिबान हैं और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो सारे के सारे आज चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के आदेश पर सारे के सारे एकजुट हैं। और जहां तक छोड़कर जाने की बात है, तो माननीय दुष्यंत जी सांसद हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निर्देशन में पार्टी एकजुट है, मजबूत है। नहीं, किस तरह एकजुट है सर? अगर मैं नाम लेने लग जाऊं तो ये बहुत लंबी फेहरिस्त है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत राम तंवर, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलवती देवी, इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव ब्रिज शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर केसी बांगड़, राष्ट्रीय सचिव कंवर सिंह, ये बहुत लंबी फेहरिस्त है। कई सारे पूर्व विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, मतलब किस तरह से कार्डर आपके साथ है? ये तमाम नेता गए हैं, तो इनके समर्थक भी तो गए होंगे। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, ये उस मात्र 3% के आसपास नेता हैं, तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि भाई इनेलो में कोई भारी टूट हुई है। जब आज की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में यह स्पष्ट हो गया है, जब 95% से ऊपर निर्वाचित प्रतिनिधि और जो हमारे अलग अलग जिला संयोजक और प्रदेश के संयोजक, वो माननीय चौटाला साहब के निर्देश पर एकजुट हैं। ठीक है नैन साहब, आवाज आ पा रही है आपको? जी बिल्कुल। नैन साहब, महज 3-5% कार्डर आपके साथ है, जिस तरह से तंवर साहब ने दावा किया है, क्या इसी आधार पर आप लोग तमाम दावे कर रहे थे कि ज्यादातर लोग आपके साथ हैं? देखिए, ऐसे है जो हमारी लिस्ट है, शायद आपके पास आ चुकी होगी लिस्ट जी, आप खुद भी अंदाजा लगा लीजिए, लिस्ट देखिए कि कितने परसेंट हमारे पास है और कितने परसेंट इनके पास है। अगर मान लिया जाए ये एक उसमें, जब ये कहते हैं कि 3% जी कह रहे हैं कि 3% इनके पास है, तो मैं ये भी दावा करता हूँ कि हमारे पास 90% जो जनता है, वो इनेलो को जो समझी जनता थी, जो इनेलो को मानती थी, जो ताऊ देवलाल जी की नीतियों में विश्वास रखती थी,
वो 90% जनता हमारे पास है, ओनली 10% जनता इनके पास है। ये क्या आधार है सर? आप कह रहे हैं कि 90% से ज्यादा इनके पास है, आपके पास है, और ये कह रहे हैं कि इनके पास है, ये आधार क्या है, पैमाना क्या है, किस तरीके से ये रहे पैमाना आज क्लियर हो गया कि हमने 17 तारीख को भाई अजय सिंह चौटाला जी ने डिक्लेयर किया था कि 17 तारीख को हम जींद में एक कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे, और उसका डर जो था उस डर के को देखते हुए उन्होंने वही डेट रख दी गई। उसी डेट को रख के उन्होंने ये समझा था कि शायद सारे लोग चंडीगढ़ में आ जाएंगे, पर मैं आपको मिलना चाहूंगी ये बताना चाहता हूँ, लोग अब जान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, हरियाणा के अंदर 60% युवा है इस बार, और 60% युवा ने ये मन बना लिया कि भी अगर हमने आगे सख्त देवलाल की नीतियों को चलाना है तो भाई दुष्यंत चौटाला जी का साथ है। काउंटर करना चाहेंगे मनगढ़ंत विचारों से, मनगढ़ंत तथ्यों से हरियाणा प्रदेश राजनीति नहीं बदलेगी। जिस प्रकार से आप मनगढ़ंत आंकड़े पेश कर रहे हैं, इन आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं है। 95% का दावा कर रहे हैं आप, बैठ के करते रहे दावा करने से क्या है? आज आपने देखा नहीं प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में? आप मुझे ये बताइए, आप इनको एक स्लिप चला के दिखाइए। नैन साहब, एक मोर्चे पे आप लोगों की जो विफलता नजर आती है, आप लोग तमाम दावा कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल आप लोगों की है, किसी की बपोती नहीं है, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि आप लोगों के पास इतना समर्थन होगा, इतने पदाधिकारी होंगे, इतने विधायक आपके साथ होंगे कि आप दावा ठोकेंगे पार्टी के ऊपर, पार्टी सिंबल के ऊपर, वहां तो आप हार गए ना। महेंद्र सिंह जी, हम हारे नहीं, हमारी कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई, मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अगर हम इसके अंदर अगर कहीं कानूनी पेचे में पड़ते हैं तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हमने ये डिसाइड कर दिया, और जनता ने ये डिसाइड कर दिया कि संगठन की जो ये बात करते हैं, इनेलो की जो ये बात करते हैं, चश्मे की जो ये बात करते हैं, ये इन्हीं को दे दिया जाए, और जनता का जो समर्थन है वो हमारे पास रहे। ठीक है नैन साहब, नरेंद्र विद्यालंकार जी, दोनों तरफ से ही तो दावे बराबर बराबर हैं, किस तरीके से देखा जाए इंडियन नेशनल लोकदल में क्या हुआ है, कोई असर होगा या नहीं होगा, या दोनों ही दावे कैसे सही साबित हो सकते हैं? देखिएगा महेंद्र जी, दावे प्रति दावे चलते रहेंगे, लेकिन धरातल के ऊपर उन दावों का 1 दिसंबर से अभय चौटाला जी SYL को लेकर के अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं जी, और 9 दिसंबर को अजय गुट की रैली है जींद में, तो दावों का दोनों उससे पता चलेगा, अगर SYL को लेकर के लोगों का कितना जमावड़ा होगा, अभय जी कितने आकर्षण पैदा करेंगे, और 9 तारीख की जींद की रैली में दुष्यंत और दिग्विजय कितने लोगों को जुटा पाएंगे, दावों का उसके बाद से आधार बनना शुरू होगा कि लोगों का रुझान किस तरफ है जी। नरेंद्र विद्यालंकर जी, अगर मैं सही हूँ तो आपका जुड़ाव भी रहा है, आप नज़दीकी भी रहे हैं, शायद देवीलाल के नज़दीकी रहे हैं, उनकी राजनीति से, राजनीति को आपने करीब से देखा है, चौटाला परिवार में क्या कुछ हुआ था, शायद 3 दशक पहले की अगर बात करें, जिस वक्त रणजीत सिंह को अलग होना पड़ा था, ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है या कोई नया इतिहास बन रहा है, कोई नई लकीर खींची जा रही है? नया कुछ भी नहीं है, 1986 में न्याय युद्ध जब शुरू हुआ तो चौटाला जी शुरू में न्याय युद्ध से थोड़ा दूरी बना करके रहे। अच्छा, दूरी बना के करे रहे या उनको दूरी बना करके रखा? न्याय युद्ध क्या था, थोड़ा एक्सप्लेन? न्याय युद्ध ये था कि हरियाणा के लोग चौधरी बंसीलाल जी को 86 में मुख्यमंत्री बना दिया, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था जी, उससे राजीव लोंगोवाल समझौते से पहले चौधरी देवलाल और डॉक्टर मंगल सेन जी भारतीय जनता पार्टी और इनका अलायंस था जी। राजीव लोंगोवाल समझौता SYL को लेकर था? SYL को लेकर के था, राजीव लोंगोवाल जी ने समझौता कर दिया था, साइन कर दिए थे, लेकिन चूंकि अकाली दल की राजनीति SYL को और चंडीगढ़ और 105 गांव डिस्प्यूटेड है ना अबोर फाजिलका के, हरियाणा को पहले ये शाह कमीशन ने दे दिया था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 105 गांव दिए जाए, और पानी का भी एक रेशो था कि इतने लाख मीट्रिक
क्यूबिक वो है ना उसको, पानी दिया उस पर दावा करने के लिए न्याय युद्ध छेड़ा। यस, वो फैसला किया चूंकि चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उनका आधार खिसक गया था हरियाणा में। राजीव गांधी जी ने सोचा कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए कुछ न कुछ हमें नया करना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव थे तो उसको देखते उन्होंने भजनलाल जी को बदल दिया, और बदला इसलिए कि भजनलाल जी ने पता था उनका वो दोबारा कांग्रेस को जिता नहीं पाएंगे, तो उसमें उन्होंने उनका विरोध किया, इसका अकॉर्ड का विरोध करने की वजह से चोई बंसीलाल जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, कि उनको पता था बंसीलाल जी ही सर्वाइव हरियाणा में कांग्रेस को करवा सकते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा मामला हो गया, इनको भी ये समझ में आ गया कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। उन्होंने फिर जो यात्रा है हिसार से दिल्ली तक की यात्रा का न्याय युद्ध नाम उसका रखा, ठीक, पैदल यात्रा थी जी। तो उसमें शुरू शुरू में ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें नजारत थे जी, या उन्होंने अपने आप को पीछे रखा, कोई न कोई कारण था जी। रणजीत सिंह जी और उनके साथ केपाराम पूनिया, रण सिंह मान जी, बनारसी दास गुप्ता जी, ये लोग उनका एक गुट बन गया जी, ताकि चौटाला जी को बाहर रखा जाए। ठीक ठीक। लेकिन दो साल के बाद, पूरा कीजिएगा सर्वमित्र को भी लेकर आना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। नरेंद्र विद्यालंकार जी, समानता क्या है जिस न्याय युद्ध का आपने जिक्र किया और उस दौर का आपने जिक्र किया, कोई समानता है या फिर आज जो भी हो रहा है ये बिल्कुल अलग है? नहीं, समानता इतनी है कि ओम प्रकाश जी चौटाला, उनको सत्ता से सरकार से बाहर रखने के लिए रणजीत सिंह का गुट काफी हावी हो गया। तो जैसे आज भी है, अभय चौटाला जी को पावर दे दी, दुष्यंत और दिग्विजय सिंह जी को कहीं न कहीं नजर आया कि उनकी उपेक्षा हो रही है, जैसे वो कह भी रहे। लेकिन ये उपेक्षा भी अब 6 महीने से दिखाई दी, उससे पहले पब्लिक के अंदर ये बात नहीं थी। कैथल में जब इनसो की रैली हुई और उसके बाद एक दो चीज और हुई, तो इनको महसूस हुआ कि तुम्हारी उपेक्षा हो रही है, क्योंकि अभय चौटाला जी शायद कैथल की इनसो रैली में चले गए थे, उन्होंने कोई एडवर्स कमेंट्स किए, तो उसकी वजह से दोनों को मौका मिल गया अपनी बात पब्लिक के सामने रखने का, और अपने पिताजी को या दादाजी के सामने अपनी बात रखने का। शायद उनकी बात सुनी नहीं गई या गंभीरता से नहीं ली गया, मुझे नहीं पता इसका अंदर की कहानी क्या है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अजय चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी दोनों जेल में हैं। अजय जी का आज भी मैंने स्पीच सुनी कि हम सुबह शाम खाना खाते समय सारी बातें करते हैं, उसके बावजूद ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया? तो उसको या तो चौटाला जी के बस से बाहर हो गया, या चौटाला जी इसको सुलझाना नहीं चाहते थे जी। तो अजय जी ने ऐसी ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि दोनों लड़के पूरी तरह से गोहाने की रैली में खुल करके सामने आ गए? बिल्कुल खुल के सामने नहीं, महेंद्र जी, चौटाला जी के भाषण को भी सुनने का उनमें धैर्य नहीं था, जबकि सारी राजनीति उनका पूरी जीवन ही सामने है। और उसके बाद मान लो अभय चौटाला जी है, उनके चाचा हैं, हर रोज रहते थे, एमिकेबली कोई ये समस्या का समाधान निकाला जा सकता जी, था सर्मित्र जी। लेकिन जी। कौन सी बात अड़ गई मुझे नहीं समझ में आता कि कहां ऐसा सिंह चौटाला के पूरे कार्यक्रम को भी आपने देखा है, और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, दोनों तरफ से एक तरीके से विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है कि हमने तो तमाम कोशिशें की, हम तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार थे। क्या समझ में आ पाया कि जड़ में क्या है? ये सीएम बनने की महत्वाकांक्षा दोनों तरफ है या फिर कुछ और भी वजह है? देखिए, कुर्सी किसको अच्छी नहीं लगती या कुर्सी किसको प्यारी नहीं है, लेकिन आज जो मैंने सुना या कई दिनों से सुन रहा हूँ, जो अभय सिंह हैं वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि मुझे कुर्सी चाहिए, वही दूसरी और सीएम के नारे लगते हैं बिल्कुल। लेकिन वजह तो ये पिछले कई महीनों से चली आ रही थी, जो कि वो गुस्सा फूटा वो गुहाना वाली रैली में हुआ। आज भी वो कह रहे हैं कि कोई भी पैचअप करवा सकता है, कोई भी जाके कोई भी हमारा बन जाए, बीच में बिचौला बन जाए और पैचअप करवा दीजिए। तो मैंने एक सवाल भी पूछा कि भाई, वो कहते हैं कि अगर पोते जाके दादा से माफी मांग लेंगे तो दादाजी माफ कर देंगे, लेकिन मैंने सवाल पूछा कि अगर वो पोते जाके माफी मांग ले और दादा उनको माफ भी कर दे, लेकिन जो शब्द बांध चल रहे हैं, जो मन में इतनी खटास पैदा हो गई, बिल्कुल, क्या वो दूर हो जाएगी? मतलब लगातार जो एक दूसरे पे अटैक हो रहा है वो कैसे दूर होगा? निश्चित तौर पर दोनों ओर से यह कहा जाएगा कि हम तो तैयार हैं, हम पैचअप के लिए तैयार हैं,
हमें पार्टी के नीचे चलना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नीचे चलना है। नैन साहब जी, नैन साहब किस तरीके से देखा जाए, अभय चौटाला को जब हम सुन रहे थे तो वो यहाँ तक कह रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर दुष्यंत चौटाला को आगे कर दिया जाए, मैं तो एक सेकंड में उनके पीछे लगने के लिए तैयार हूँ, तमाम त्याग देने के लिए तैयार हूँ। वजह क्या रही, क्यों नहीं आप एकजुट हो पाए, ऐसी क्या महत्वाकांक्षाएं खड़ी हो गई थी, दीवार खड़ी हो गई थी? देखिए महेंद्र जी, ये जो परिवार की प्रॉब्लम थी इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अभय चौटाला जी या दुष्यंत जी या अजय जी ही इस पर टिप्पणी कर पाएंगे, पर मैं इतना समझता हूँ कि जितने हमारे कार्यकर्ता थे, नहीं एक बात बताइए, परिवार की बात नहीं है ये घर में जो प्रॉपर्टी है उसके डिस्प्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, घर में किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलनी है अगर बंटवारा, उसकी बात नहीं कर रहे जो सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक सियासत, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। वही उसी बात पे आता हूँ, सार्वजनिक जीवन के अंदर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अभय चौटाला जी के साथ लगे हुए हैं या अजय चौटाला जी के साथ लगे हुए हैं, मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ कि जो अजय चौटाला जी के साथ कार्यकर्ता थे, उनकी कई साल से अनदेखी की जा रही थी। किस तरह की अनदेखी? अजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी इसको बर्दाश्त करते जा रहे थे कि कहीं न कहीं जाके सेटिंग हो जाएगी, कहीं न कहीं जाके बातचीत हो जाएगी, पर ये नहीं हुआ। सभी कार्यकर्ताओं ने जाके अजय चौटाला जी पे बार बार अपना दुखड़ा रोया कि जी हमारी वहां पे, हमारे को स्टेज पे उतार दिया गया, हमारे को वहां से निकाल दिया गया, तो किसी तरह नहीं सुनवाई हुई। इसका मेन ये कारण, मैं तो यही कारण कहूंगा जी। अच्छा एक चीज और है कि उसके बाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अब अभय चौटाला को अभय चौटाला नहीं बोला जाता, बिल्लू बोला जाता है। आप मतलब जो एक गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं जो विपक्षी लगाते थे, अब वही आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि गोली और गाली की राजनीति नहीं चलेगी, ये इस तरीके से ये आपके ही तो साथ थे, आपके परिवार और पार्टी के सदस्य थे, अब क्या इस तरह से वार पलटवार होंगे और फिर आप अपनी सियासत को उनसे अलग कैसे कर लेंगे? महेंद्र जी ऐसे है, फिर इसके अंदर एक पारिवारिक शब्द आता है, अगर भाई अजय सिंह चौटाला जी बिल्लू बोलते हैं या नैना जी बिल्लू बोलते हैं तो वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो एक परिवार, जैसे वो बोलते थे ऐसे ही वो बोलते हैं। इसके अंदर हम सम्मान करते हैं भाई अभय सिंह चौटाला जी का, हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा, भाई माननीय है भाई अभय सिंह चौटाला जी। गाली और गोली की राजनीति नहीं चलेगी, इसका क्या संदर्भ है? नहीं ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो जनता बोल रही है, ये तो जनता की आवाज है, ये कोई उनकी आवाज नहीं है, ये तो जनता की आवाज है। हम तो इसके इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। नहीं टिप्पणी तो आपकी बनती है क्योंकि आपके ही तो नेता थे आप लोग, तमाम लोगों ने, अजय चौटाला ने, अभय चौटाला ने साथ में राजनीति की है, इसका मतलब तो आपकी सरकारों के दौरान जो भी तमाम आरोप लगते थे वो सही थे जी। ऐसे है, जनता की जो आवाज है ना, आज का जो टाइम है जनता की आवाज सुनने का, जनता क्या बोल रही है जी? तंवर साहब, तंवर साहब, जनता का नाम लेकर और वही आरोप अभय चौटाला के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनकी राजनीति और उनकी छवि के ऊपर लगाए जा रहे हैं जो विरोधी लगा रहे थे, इसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना आपको? देखिए ये राजनीतिक विफलताओं के मद्देनजर अपने आप को चमकाने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह जी के खिलाफ असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। नहीं वो सही है, लेकिन अब जब आपके ही जनता के नाम पे परिवार के लोग, आपके जो साथी रहे वो ही कहेंगे, तो जनता तो ज्यादा मानेगी इस बात को, जनता तो मानकर चलेगी कि पहले तो विरोधी कहते थे, अब तो इनके खुद के साथी, इनके परिवार के लोग कह रहे हैं, इसका मतलब तो तमाम आरोप सही थे। देखिए राजनीति में ना कोई स्थायी विरोधी होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है, राजनीतिक बयान परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। मेरे जो दिलबाग नैन जी भाई प्रवक्ता हैं जो बात कह रहे हैं, नहीं ये खेल होता है, ये मजाक होता है कि आपके विरोधी हो गए तो कुछ भी बोल दिया जाए और जब आपके साथी हो गए तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। लोगों की याददाश्त नाम की कोई चीज नहीं है क्या? लोग सोचते समझते नहीं। जब 6 साल से निरंतर अभय सिंह जी चौटाला इस पार्टी और संगठन को संभाल रहे हैं
और विषम और विपरीत परिस्थितियों में इस संगठन को बहुत आगे तक लेके आए हैं, तब तक तो इनको कुछ नजर नहीं आया। अब आज जब परिस्थितियां दूसरी हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इनको खुद नैन साहब ये बड़ा वाजिब आरोप है। हम पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था दिग्विजय चौटाला का, बड़ी तारीफ कर रहे थे अभय सिंह चौटाला की, विपरीत परिस्थितियों में संभाला है, आज अगर सांसद दुष्यंत चौटाला बने हैं तो ये उन्हीं की देन है, पार्टी एकजुट है तो उन्हीं की देन है। अब सब कुछ उल्टा हो गया एकदम से। महेंद्र सिंह जी, वो इंटरव्यू जो आपने होगा जो सोशल मीडिया पे आजकल चला हुआ है, हाँ जी, और कितने लोगों ने उसको चला रखा है, वो कब का है, आपसे क्या साल पहले का है? दुष्यंत चौटाला के सांसद बनने के बाद का तो कम से कम है। बिल्कुल, मैं वहीं पे आता हूँ, साल पहले का है, चार साल पहले अगर आपस में अभय सिंह चौटाला जी ने कुछ मेहनत की है, कोई काम किया तो दुष्यंत चौटाला जी उसको पढ़ा रहे हैं, आगे बता रहे हैं। यही तो बात हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नरेंद्र विद्यालंकार जी, तो नरेंद्र विद्यालंकार जी, अब देखिएगा कि क्या होगा। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का हम जिक्र करें तो जब आपस में ही ये तो एक काट छिड़ गई है कि आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो इसका फायदा तो विरोधियों को होगा, सत्ताधारी बीजेपी को भी होगा और दूसरी विपक्षी कांग्रेस को भी होगा। बिल्कुल, देखिएगा कि सबको पता है कि इनेलो का वोट प्रतिशत कितना है, इस बार कितनी सीटें आए, उसलिए पिछली बार कितनी थी, और अकेले जब इनेलो ने चुनाव लड़ाया जब तो उनकी 32 से ज्यादा सीटें शायद आज तक नहीं आई। सत्ता में आने के लिए उनको किसी न किसी पार्टी के सहारे की जरूरत थी। बसपा से पहले भी उनका एक बार अलायंस हुआ था, बीच में टूट गया था। बसपा से पहले उनका ज्यादातर अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था। बिल्कुल, तो ऐसे में इनेलो को इनकी टूटन से कांग्रेस को फायदा है, और कांग्रेस में भी भूपेंद्र जी हुड्डा को ज्यादा फायदा है, क्योंकि इनको इस बार जो बसपा के साथ इनेलो का अलायंस हुआ, ठीक, इनको सीधा खतरा था कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर में भी इनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, और 3-4 वोट प्रतिशत बढ़ने से ही वो सारा खेल हो जाता है, सारा खेल हो जाता, बाजी इधर से उधर हो जाता है। ऐसे में भूपेंद्र जी हुड्डा को अगर कांग्रेस अध्यक्ष बना देती है, दोनों के झगड़े का सीधा सीधा उनको फायदा होगा। जी, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, फिर सर्वमित्र जी के पास चलेंगे, छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिगुल 2019 जारी है। सर्वमित्र जी, किस तरीके से देखा जाए, ये इंडियन नेशनल लोकदल दावा तो कर रही है कि दोनों तरफ सब सही है, क्या सब सही है, और इसका फायदा कांग्रेस को ज्यादा होगा या बीजेपी को ज्यादा होगा, हरियाणा की सियासत पर क्या असर होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब दो धड़े बन जाते हैं किसी भी पार्टी में और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जब किसी एक विधानसभा क्षेत्र में दो उम्मीदवार उतरेंगे, एक INLD का होगा और एक अजय चौटाला गुट का होगा, तो नुकसान तो होगा, दोनों को नुकसान होगा, और उसका फायदा किसी तीसरे को होगा निश्चित तौर पर। और फायदा वो कौन होगा, किसको ज्यादा वो होगा, क्योंकि एंटी इनकमबेंसी होगी बीजेपी के खिलाफ तो होगी, और लग रहे हैं बीजेपी के जो हालात हैं कि उनको शायद इतना कुछ ना मिले, तो उसका फायदा फिर किसको है, सीधा कांग्रेस को जाने वाला है। और अगर हम पूरे जाटलैंड की बात करें तो जाटलैंड में भी सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो कांग्रेस की तरफ जाएगा निश्चित तौर पर। जैसा विद्यालंकार जी कह रहे हैं कि हुड्डा को अगर कमान सौंप दी जाती है तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा कांग्रेस को, तो ये इन दोनों को समझना चाहिए। आज ये सवाल भी किया गया अभय सिंह चौटाला से कि भाई अगर पार्टी दो फाड़ हो जाएगी तो नुकसान होगा इनेलो को, वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ओर से नहीं समझा जा रहा कि नुकसान दोनों को होगा। हाँ, ऐसा लग रहा था कि जब इनका बसपा के साथ गठबंधन हुआ तो शायद ये इस बार कुछ करिश्मा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, शायद ये सत्ता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब नहीं लगता कि अगर दोनों अलग अलग हो गए तो फिर कितने इनका प्रतिशत वोट है, जैसे विद्यालंकार जी कह रहे हैं, और अभी मायावती का भी कुछ पता नहीं होता कि कब क्या करे, वो भी देख रहे हैं। तंवर साहब, जाना है तंवर साहब, समझ पा रहे हैं क्या आप इस गणित को या इस विश्लेषण को, कि आपने तो ये जो भी किया है जिसको आप मैनेज नहीं कर पाए हैं, ये तो सीधे सीधे फायदा पहुंचा दिया आपने कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस को तो, कांग्रेस का तो 10 साल की लूट और झूठ देख चुकी है प्रदेश की जनता, तो कांग्रेस का फायदा तो मैं नहीं मानता। चलो बीजेपी को हो जाएगा, और रही बात बीजेपी ने जिसने इस पिछले 4 साल में कैसे प्रदेश को जड़ाया और कैसे क्या क्या हालात रहे हैं, ये तो बिल्कुल विफल सरकार रही है। आम आदमी पार्टी को हो जाएगा, ये मान लीजिए। आम आदमी पार्टी तो कहीं तस्वीर में नहीं है जी, आम आदमी पार्टी का कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब बाहर से जो दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं वो आपको वोट देंगे? तंवर साहब, कौन दूसरी पार्टियों को? अगर आपका वोट प्रतिशत उतना ही है, अगर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा
तो फिर क्या दो हिस्सों में नहीं डिवाइड हो रहा है। आज भी अभय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कितने प्रतिशत लोग उनके साथ हैं, मात्र 2% लोग, और अभी टाइम है, हम 2% को मनाएंगे, वापस लाएंगे जी। लेकिन ये तो कोशिश तो उस तरफ से भी कही जा रही है कि आप लोग टिम्बर ट्रेल ले गए अपने विधायकों को, वरना तो ज्यादातर विधायक जींद में होते। वो भी कोशिश करें, कोई राजनीति में किसी प्रतिबंध थोड़े है, करें कोशिश। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो जाने वाली है, अभी 3-4 विधायक तो उनके साथ हैं। नहीं, इतना झटका तो दे ही दिया उनको भी, जो विधायक हैं उनको भी मना के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब के नेतृत्व में लाया जाएगा, प्रयास जारी है। नैन साहब, एक विश्लेषण जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, क्या इनका विश्लेषण आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ठीक है आप लोग चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन पार्टी से ही जब अलग हो जाएंगे, अलग राह चुन लेंगे, तो क्या ये सपना, ये मंशा पूरी हो पाएगी? देखिए, हमारा कोई सपना नहीं है, कोई हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा जो है, जो सपना जो है, वो जनता का। आज जिस टाइम में भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन था, मोदी की आवाज है, पूरे हरियाणा में जनता की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं सुन रहे, कांग्रेस वाले नहीं सुन रहे, तो हम क्या करें? नरेंद्र विद्यालय पूरे हरियाणा के अंदर, पूरा हरियाणा मानता है, जहाँ दुष्यंत वहाँ हम, जहाँ दुष्यंत वहाँ हम, अकेली ये हमारी मांग नहीं है, पूरे हरियाणा की जनता की मांग है जी। नरेंद्र विद्यालंकार जी, मतलब क्या सच में ही ये हो संभव है कि आप अलग अलग भी हो जाइए, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाइए, और फिर भी जो आपने तमाम प्लान सेट किए हुए हैं उनको अचीव भी कर लीजिए? बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक बात दोनों को समझ लेनी चाहिए कि पहले तो दोनों एक दूसरे के कैंडिडेट को हराने की कोशिश करेंगे ताकि वो सत्ता में ना पाए। बसपा से समझौते के बाद ये लगा था कि इनकी सरकार सत्ता में आ जाएगी, लेकिन उसमें भी एक चीज इनको करनी थी कि मायावती यहाँ रुके। समझौते से कुछ नहीं होता, जब तक मायावती जी हरियाणा में 5-7 दिन लगाएगी तब तक के उनका वोट शिफ्ट होने वाला नहीं था। अब ये दोनों आपस में पूरी कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के कैंडिडेट को हराने की कोशिश करें। दूसरा, अजय गुट को ये देखना पड़ेगा कि वो ज्यादा है ज्यादा सीट किसके साथ समझौते से निकाल सकते हैं। उनका ये भी कोशिश हो गया कि वो केजरीवाल के साथ समझौता करें। दूसरा, उनका राव इंद्रजीत के साथ भी ये उसके भी एक्सप्लोर करेंगे। तीसरा, उनका बीजेपी के साथ भी, जो मैं नहीं समझता का बीजेपी के साथ इनका प्री अलायंस होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत शातिर हैं, वो इस बात को जानते हैं, वो तो सीधा कहेंगे आप ज्यादा है ज्यादा सीट लेकर के आओ, तब जाकर के हम आपके साथ समझौता कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अगर सेंटर में पावर में आती है तो वो खेल खेलेंगे, सत्ता में आएंगे और वो जो भी लगता है उसके साथ ही समझौता करेंगे। उनका, भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना पराया नहीं है। तो ऐसे मामले में दोनों को ये मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि ये जो लोकदल का इन्हें लोग के देखिएगा स्टांस सपोर्टर है, उनका जो वोटर है इस बार है, उनको नहीं आभास था कि हमारी इनेलो पार्टी सत्ता में आएगी, इसलिए छिटक करके वो कहीं ना कहीं चला जाता है। बिल्कुल, इस बार उनको इकट्ठा कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा इनेलो का वोटर मायूस है, बहुत ज्यादा मायूस है, उन पर इतना प्रेशर है कि हम किसके साथ जाएं। आज तक तो इकट्ठे चुनाव लड़ते थे, बूथों पर बैठते थे, अब गांव गांव के अंदर भी रिफ्ट हो गई है और बहुत मुश्किल हो गया है। दोनों तरफ से प्रेशर है का हमारी तरफ आइए, हमारी तरफ आइए, इसमें इनका टाइम इतना जाया होगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश है और वो ये प्लान कर रही है इनके झगड़े से महेंद्र जी कि ये चुनाव लोकसभा के साथ ही हरियाणा में करा दिए जाए। हाँ। इससे अच्छा उनके पास मौका नहीं है। एक आरोप आप लोगों के ऊपर अभय सिंह चौटाला ने ये लगाया कि आप लोग 2019 को तो देख ही नहीं रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं 2024 की, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम 2019 को देख के ही आगे चल रहे हैं, क्योंकि 2019 जो है, एक 2019 अकेला हरियाणा के लिए नहीं, पूरे अपने हिंदुस्तान के लिए, सेंटर के लिए भी 2019 बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। 2019 को देखते हुए
और जनता की मांग को देखते हुए हमने आज ये फैसला लिया गया कि अगर हम इसी महीने के अंदर फंसे रहेंगे, इसी डिस्प्यूट अंदर फंसे रहेंगे, कानूनी तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं सर मित्र जी, तमाम राष्ट्रीय पार्टियां, हम चाहे कांग्रेस का जिक्र कर लें या फिर हम बीजेपी का जिक्र कर लें, उनकी स्थिति हम देख रहे हैं, 2019 की राजनीति जब हम देख रहे हैं तो समझौते की सिचुएशन में है। कांग्रेस मतलब छोटे दलों को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार है, बीजेपी जिस तरीके से बिहार में हमने देखा और भी जगहों पर हम देख रहे हैं अपने से छोटे दलों को ज्यादा तरजीह देने की कोशिश में है, मतलब वो तो समझौते की रणनीति अपना रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल का एक धड़ा बगावत की रणनीति अपना रहा है और फिर भी दावा कर रहा है कि 2019 में कामयाब हो जाएंगे। देखिए महेंद्र, जो ये कह रहे हैं कि ये मनमुटाव काफी लंबे समय से चल रहा है, अगर जो वो भतीजे हैं वो पार्टी के बीच में दोबारा आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर अब उनकी, मेरे को लगता है कि चलने वाली नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि हमें अलग जाने में ही फायदा है और उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई भी पार्टी है वो अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाएगी, हो सकता है उनकी जो सीटें आएंगी उनके दम पर वो किसी का साथ दें और सरकार बनाए, किंग मेकर बन जाएं, वो डिप्टी सीएम बन जाएं, तो कुल मिलाकर ये सारी सत्ता है। क्योंकि देखिए आप पैचअप भी होता है तो जो मन में इतना कुछ हो गया आपको लगता है कि वो सारा कुछ सामान्य हो जाएगा या उनकी बराबर में सुनी जाएगी, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी बराबर में सुनी जाएगी या उनको इतनी तवज्जो दी जाएगी, उनको अभय सिंह चौटाला के अंडर रहकर ही काम करना पड़ेगा, इसलिए अब वो आखिरकार उन्होंने यही फैसला लिया है और आज उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। पहले लग रहा था कि पार्टी पर कब्जा करेंगे, आज उन्होंने पार्टी और चुनाव भी वो चिन्ह भी छोड़ दिया, अब उन्होंने कहा है कि हम 9 दिसंबर को अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, अब उनको इसी में फायदा लग रहा है। क्या ये जो एक दावा किया जाता है और एक जो आरोप लगाया जाता है कि ठीक है सर्वे सर्वा तो एक तरीके से अभय सिंह चौटाला बन गए हैं लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, जनता में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्या ये आरोप या ये जो दावा किया जा रहा है ये सही नहीं है? महेंद्र जी, इंडियन नेशनल लोकदल के सर्वे सर्वा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की अनुपस्थिति में अभय सिंह जी ने संगठन को बहुत खूबसूरती से संभाला है, इस बात को देश प्रदेश की जनता जानती है। और रही बात जो अभी आज के निर्णय की है, जो आज डॉक्टर अजय सिंह जी और उनके दुष्यंत दिग्विजय जी जो निर्णय लिया गया, मैं इसको निर्णय नहीं मानता, ये चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के आदेशों की अवहेलना है और उनका अपमान है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, ब्रेक के बाद ये जानना जरूरी है कि क्या सिर्फ कार्डर के ऊपर कब्जा करना ही अब आगे की रणनीति होगी या कुछ मुद्दों की भी राजनीति होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिगुल 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी के ऊपर चर्चा लगातार जारी है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नैन साहब, सवाल यहाँ पर यही है कि अब जो कोशिश होगी या जो आगे की रणनीति होगी, ठीक है आप अलग पार्टी बना ही रहे हैं तो अब कोशिश और रणनीति ये होगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का कितना काडर, कितने नेता, कितने विधायक तोड़ लिए जाए या कोई मुद्दों की राजनीति की तरफ भी बढ़ा जाएगा और वो मुद्दे होंगे कौन से जिससे जनता जुड़ जाए आपके साथ? महेंद्र जी, ऐसे है, तोड़ लिए जाएंगे नहीं, वो अपने आप ही टूट के आएंगे। फिर आज क्यों नहीं आए नैन साहब, आज क्यों नहीं आए? फिर इतना बड़ा आज दिन था, आज क्यों नहीं आए? इतना बड़ा दिन था आज, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल के होटलों में जा जाके एमएलए को ठहरना, आज कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं था, मुख्यमंत्री जी नहीं चुने जाने थे, आज एक अपने ये समझो के भी जितना भी एमएलए और जनप्रतिनिधियों के अलावा दूसरे भी तो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे। ठीक है आप, ठीक है हिमाचल के होटलों में ठहर गए, उसके बाद पब्लिक में भी तो आए, क्या आज की तारीख में ये संभव है कि इस तरीके से किडनैप कर लिया जाए किसी को? पब्लिक में भी तो आए, वो मीडिया के सामने भी तो आए, तब बोल सकते थे। मैं वही बात कर रहा हूँ, पब्लिक में तो अभी आए नहीं, पब्लिक में तो अभी जब जाएंगे, जब उनको पता लगेगा तो पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक को तो वो मौका ही नहीं दिया। चुनाव नहीं है आज, जो पब्लिक को मौका मिलेगा, पब्लिक को मौका 2019 में मिलेगा। नहीं नैन साहब, सवाल ये था
क्या कोई मुद्दों की राजनीति भी होगी, आप कार्डर के ऊपर ही कब्जा जमाने की कोशिश होगी? और साथ में ये बता दीजिए कि आज तक ठीक है आपका युवा नेतृत्व है या आप अलग तरीके की राजनीति, आज तक सरकार को परेशान करने वाला ऐसा कौन सा आंदोलन है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप लोगों ने उठाया हो विपक्ष होने के नाते, जिससे जनता से जुड़ाव दिखे? आवाज में डिस्टरबेंस है तंवर साहब, मतलब ठीक है क्या सिर्फ इसी वजह से कि एक आंदोलन बार बार आप लोगों की तरफ से छेड़ दिया जाता है, एक मुद्दा आप लोगों की तरफ से छेड़ दिया जाता है SYL का, और SYL के ऊपर हम सब ये समझते हैं कि SYL के ऊपर आप कितनी भी बयानबाजी कर लीजिए, कितनी भी आंदोलन कर लीजिए, आज तक की सच्चाई तो ये है कि एक लोटा पानी तक नहीं लेकर आया गया, और तमाम पानी तो कैसे लेकर आया जाएगा, और ये सरकार को परेशान करने वाला मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक अभय सिंह चौटाला ने, आप लोगों की पार्टी ने कितने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसने सरकार को परेशान कर दिया हो? महेंद्र जी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL पर आया है, निरंतर हमारा इस मुद्दे पे हर विधानसभा क्षेत्र में, हर जिले में, हर गांव में इस मुद्दे को लेकर हम गए हैं। ठीक है सर, एक मुद्दा हो गया क्या इसी के राजनीति? और मुद्दों पे भी आ रहा हूँ। बिजली के रेट बढ़ाए हमने निरंतर 5 महीने से भी ज्यादा समय यहाँ पे शक्ति भवन में निरंतर आंदोलन किया, निरंतर संघर्ष किया। फसलों की खरीद के बारे में जब जब भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, हमने हर जगह, चाहे बाजरा की खरीद की बात थी, चाहे सरसों की खरीद की बात थी, हमने हर मंडी में जाके इस सरकार को मजबूर किया कि किसानों की जींस को खरीदा जाए। जो जिस प्रकार से पेंशन के बारे, जो हमारे बुजुर्ग और जो हमारे विधवा महिलाएं और अपंग लोग जो दर दर भटक रहे हैं, और आप इस प्रदेश की जो स्थिति है उससे भली भांति परिचित ठीक है सर, ठीक है। सर्वमित्र जी, जी क्या सिर्फ ये अब कार्डर को मतलब कब्जाने की रणनीति से काम चल जाएगा, या फिर मुद्दों के आधार पर अगर राजनीति की जाती है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है तो वोट बैंक को भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए महेंद्र, निश्चित तौर पर ये जो अभी बात चल रही है, अभी तो सिर्फ आपसी लड़ाई है, अभी मुद्दों की लड़ाई नहीं है। हालांकि अभय सिंह ने कहा है कि वो 1 तारीख से वो जो शुरू कर रहे हैं अधिकार यात्रा, वो लगातार कहते हैं कि हमने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन दूसरी ओर से ये कहा गया है कि विधानसभा में मुद्दे नहीं उठाए गए जो हमने उठाए हैं। इस बात का भी अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्योंकि पहले इकट्ठे थे तो ये नहीं था, लेकिन अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही महेंद्र। निश्चित तौर पर देखना होगा कि अभी जैसे अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि वो जहां पर भी जा रहे हैं उन्होंने एक बार भी कांग्रेस को या बीजेपी को टारगेट नहीं किया, वो हमारे को ही टारगेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर दुष्यंत का जो गुट है, उनको अगर आगे बढ़ना है, उनको अगर अपनी पार्टी बनानी है, तो उनको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, और मुद्दे अगर उठाएंगे तो फिर पता चलेगा कि जनता उनके साथ कितनी है या उनकी पार्टी का जो काडर है वो उनके साथ कितनी जी है। विद्या अलंकार जी, मुद्दों की अगर लड़ाई हो, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि मुद्दों पर लड़ाई हो, मुद्दों की लड़ाई में अब जो ये इनेलो अलग अलग हो गई है, अलग अलग राह चुन ली गई है, कौन सा खेमा कहाँ खड़ा मिलता है? देखिएगा, नंबर एक तो है कि मुद्दे होने चाहिए दो। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों की कोई बात नहीं करता, सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत किसानों को मदद की होती है तो वहाँ पार्टियाँ सिर्फ हाजिरी लगाने तक सीमित रहती हैं, सरकार के ऊपर दबाव नहीं होता। अब धान की कीमत क्या थी? 1710 रुपया क्विंटल। किसान की मेजोरिटी में शिकायत है कि हमें 1500 रुपये क्विंटल से ज्यादा पैसा नहीं मिला, और आढ़तियों ने सेक्रेटरी या मार्केटिंग बोर्ड से मिल करके सारा घोटाला कर लिया। सरकार भी स्टेटमेंट तक सीमित रही और विपक्षी पार्टियां भी अपनी औपचारिकता पूरी कर करके दूर हो गई। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है, गांव के गांव बेरोजगारी और एडिक्शन, शराब है, दूसरी चीजें हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, कोई उसके लिए चिंतित नहीं है, किसी ने आज तक इश्यू को नहीं उठाया। थोड़ा बहुत उठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, औपचारिकता के हम हैं, हाजिरी लगा दी हमारी, इससे ज्यादा ना लगे, इतना सा बस, इससे आगे नहीं बढ़े, जबकि मुद्दे तो काफी हैं। नैन साहब,
आपके युवा नेतृत्व की हम बात करें और मुद्दों की बात करें, उसको लेकर संघर्ष की बात करें, छात्र संघ चुनाव को लेकर हम देखते हैं कि आपका युवा नेतृत्व भूख हड़ताल तक कर देता है, लेकिन बेरोजगारी का जिक्र नरेंद्र विद्यालंकार जी ने किया और ये तमाम हरियाणा कर रहा है, ऐसे किसी मुद्दों को लेकर आपका ऐसा कोई संघर्ष नहीं दिखता, क्यों जुड़ेगी जनता, क्यों जुड़ेंगे? रोजगार मेले जो दुष्यंत जी ने लगवाए हैं, आप मुझे बताइए और किसने लगवाए यहाँ पे? सरकार ने लगवाए रोजगार मेले जी, ठीक है, बिल्कुल, ये रोजगार मेले लगवाए हैं युवाओं के लिए, किसान के लिए ट्रैक्टर का टैक्स माफ कराने के लिए लोकसभा के अंदर मुद्दे उठाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दवाइयों का मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया गया है द्वारा, मुद्दे पे हम जो 2019 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो मुद्दे पे ही लड़ने जा रहे हैं, जो हमने किए हैं और जो हम आगे करेंगे। नहीं साहब, इसमें सवाल यही था कि देखिए आपको भी पता है कि पहले एक वक्त हुआ करता था कि संसद के अंदर अगर सवाल उठ गया तो सरकारें हिल जाया करती थी, लेकिन आज की तारीख में उतना असर नहीं होता है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने मुद्दे उठा दिए तो फिर इतना असर नहीं होता, सरकार के लिए परेशानी नहीं होती। जिस तरह से छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए भूख हड़ताल तक पे आपका युवा नेतृत्व उतर गया था, उस तरीके का संघर्ष किसी और मुद्दे को लेकर दिख रहा है क्या? जो हमारा युवा नेतृत्व छात्र संघ था, वो छात्र संघ हमारा जो था वो एक अलग पार्टी से हटके था इनसो, और दुष्यंत जी जो थे वो पार्टी के साथ बंधे हुए थे, और कहीं ना कहीं जहाँ दुष्यंत जी काम करना चाहते थे उनको रोका गया। अब आजाद हो चुकी है, आप देखना आप हम कितने मुद्दे उठाते, बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि वो मुद्दे उठाएंगे। अमर साहब, SYL के अलावा कोई और मुद्दा है? SYL के इस प्रदेश में शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं और हम उठाएंगे। जो 1 दिसंबर से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये सारा मुद्दों आधारित कार्यक्रम है, इसमें आप देखना। उम्मीद यही है कोई सियासत ना हो, और चाहे अब कोई एक नई पार्टी भी इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो भी मुद्दों की राजनीति करे, जो पुराने खेमे हैं वो भी मुद्दों की राजनीति करें। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नरेंद्र विद्यालंकार जी, सर्वमित्र जी, दिलबाग नैन जी, सुखबीर तंवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा की राजनीति अब नए मोड़ पर है, काफ़ी दिलचस्प हो चली है, कई तरीके के सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, 2019 तक मिलेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इजाज़त दीजिए, नमस्कार।